टिप्पणी हो, मैं ही वो पति हूं जिसने बेदर्दी से अपनी पत्नी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी है। मैं क्या करता साहब, मैं क्या करता जब वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे इतनी बार समझाया, मैंने उससे कहा साहब, मैंने कहा देख पूजा, मैंने मैंने कभी भी किसी भी औरत के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। लेकिन साहब उसने मेरी बात नहीं मानी, वो कहने लगी कि तुमने जरूर किसी के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाए हैं और इसी से तुम्हें ये HIV एड्स रोग हो गया है। साहब मैंने बहुत समझाया, बहुत उसे कहा कि देख लाजो, मैंने कभी ऐसा गंदा काम नहीं किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी और बच्चे को लेकर घर छोड़कर जाने लगी। कहने लगी कि हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमें भी ये रोग हो जाएगा। साहब मैं क्या करता, मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत पकड़ा, लेकिन वो नहीं मानी और जाने लगी और आवेश में आकर मेरे हाथों उसका खून हो गया। साहब मैं क्या करूं साहब, आप ही बताइए ना साहब, ये HIV एड्स रोग हाथ मिलाने से फैलता है, साथ में बैठकर खाना खाने से फैलता है क्या? अरे ये रोग तो गले मिलने से भी नहीं फैलता साहब, फिर क्यों ये दुनिया और ये पढ़े लिखे लोग, ये आगे बढ़ती दुनिया क्यों हम जैसे HIV एड्स रोगी से नफरत करती है, क्यों करती है नफरत हम जैसे लोगों से? पहले ही हम इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुके होते, लेकिन फिर भी वक्त से पहले ही ये मार देना चाहती है ये दुनिया, क्यों क्यों आखिर क्यों?